हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग जो है अच्छे होंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं अपने YouTube चैनल ग्रीन वैली पर। आज का हमारा विषय है टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस में हम इसकी जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिना सेंटेंस के इंग्लिश ग्रामर में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस से। सबसे पहले हमारा सेंटेंस आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जैसे राम गोज, और नेगेटिव सेंटेंस जो है इसी में बनता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि राम डज नॉट गो। तो ये वाक्य अगर हम पूछा जाए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि असर्टिव सेंटेंस क्या है तो आप बता सकते हैं चाहे वो राम गोज हो या राम डज नॉट गो हो, ये सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस बोला जाएगा। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो कि भाट भाई हाउ से आरंभ हो या फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर बाजबर से आरंभ हो और इनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य कहे जाते हैं। तीसरा आता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो आज्ञा सुझाव प्रस्ताव आदि को दर्शाता है। ये वाक्य जो है हमेशा अपनी वर्ब से आरंभ होते हैं, जैसे ओपन द डोर शट द विंडो, या इनमें प्रार्थना का भाव दिया हो तो प्लीज गिव मी मनी। ये वाक्य जो है एक्सक्लामेटरी वाक्य इसके पश्चात आते हैं। एक्सक्लामेटरी वाक्य जो होते हैं वो विस्मयादिबोधक वाक्य बोले जाते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य बोले जाते हैं जैसे कि हुर्रा, कोई अगर मान लिया खुशी प्रकट कर रहा है तो वहाँ पर हुर्रा बी है वन द मैच, जैसे हमने मैच जीत लिया और यहाँ पर खुशी का भाव हो गया, तो ये विस्मयादिबोधक। हाउ वंडरफुल द ताज इज, मतलब जो ताजमहल है वो कितना सुंदर है, कोई सीमा ही नहीं है, तो ये विस्मय का भाव उत्पन्न करता है। इसी तरह से जब हम कक्षा 10 से आगे बढ़ते हैं और कक्षा 12 में जब प्रवेश लेते हैं तो वहाँ पर ग्रामर में हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ाया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छावाचक वाक्य। तो ऐसे वाक्य जैसे व्हाट इज कर्स, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो, ठीक है, तो या ऐसे वाक्य जो कि मैं से आरंभ होते हों, जैसे इनडायरेक्ट प्राय जब हम बनाते हैं तो उसमें इसका भाव दिया होता है, जैसे हमेशा ऐसे वाक्य मैं से आरंभ कर दिए जाते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, जैसे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा मी गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको हमेशा अच्छा रखे, इस तरह से लिख करके जैसे ये दिया है ही शेड मे गॉड ब्लेस यू, अंत में एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा करके ऊपर इन्वर्ट कामा से क्लोज कर दिया गया। तो ये होते हैं आपके टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस यदि आपसे कोई पूछता है तो आप कितने बताएंगे? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटर कक्षा में पढ़ाया जाने वाला सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ओके गाइड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक। थैंक यू।